जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना। मैं अपने आप की सांस तकवा खड़ी रहूंगी, आप लोगों ने मेरा साथ देना है, जो नहीं देगा तब भी मैं खड़ी रहूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए की बात नहीं है, ये इस मुल्क और इसके मुल्क के लीडर की बात है। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि पठान गैरतमंद कौम है और आखिरी जनता वो साथ नहीं छोड़ती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं अटक के मुकाम पर मौजूद हूं। आज नए दिन का आगाज हुआ है, 25 तरी है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान फिर से इकट्ठे होने लग गए हैं और आगे की जानब जाने लग गए हैं। सो आप ये पीछे देख सकते हैं, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी यहां पहुंच रही हैं। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी दोबारा से यहां पहुंच रही हैं और आगे की जानब ये काफिला जा रहा है। जो काफिला है वो आगे जा चुका है, तरीके इंसाफ के कारकुनान अब आगे की जानब बढ़ रहे हैं, इस्लामाबाद की जानब मूव किया जा रहा है। वो अटक का मुकाम है जिसे कहा जा रहा था कि हम अटक नहीं आने देंगे, अटक क्रॉस नहीं करने देंगे। तो आप ये देख सकते हैं अभी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी जो है वो पहुंच रही हैं। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी इस काफिले में पहुंच चुकी हैं और अभी वो भी आगे की जानब जा रही हैं। कल उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई के बगैर वापसी नहीं होगी और आगे की जानब जाया जा रहा है। सो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, ये काफिला है, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी अब आगे की जानब जा रही हैं। इस गाड़ी में मौजूद है इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी जो जा रही हैं आगे की जानब। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान भी यहां पहुंच रहे हैं। सो ये सूरत हाल है इस टाइम, इस मार्च की, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान आगे पहुंच चुके हैं और आगे दोबारा से शैलिंग का जो है आगाज वो हो चुका है। सो इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी भी यहाँ पहुंच चुकी हैं। आप ये मनाजर देख सकते हैं, ये मनाजर हैं इस टाइम, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी दोबारा से यहाँ पहुंच गई हैं और दोबारा से यहाँ पहुंच कर कारकुनान का लहू गरमाया जाएगा, कारकुनान का हौसला बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान की एक कसीर तादाद जो है वो मौजूद है और आज पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से भी लोग यहाँ पहुंचे हैं। सो आप ये मंजर देख सकते हैं, आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी यहाँ पहुंच चुकी हैं और यहाँ पहुंच कर वो अली अमीन के साथ मौजूद होंगी। इस दफा जैसा कि उनकी तरफ से ऐलान किया गया था, जैसा कि उनकी तरफ से कहा गया था कि हम तब ही वापस जाएंगे जब इमरान खान बाहर आकर खुद कहेंगे, उसके बगैर वापसी नहीं है। सो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ की, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो आगे की जानब बढ़ रहे हैं। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी भी पहुँच चुकी हैं। ये वही लोग हैं जो इमरान खान को रेस्क्यू करते थे, इमरान खान को सिक्योर करते थे, इमरान खान की सिक्योरिटी करते थे और आज आप ये देख सकते हैं जो इमरान खान की अहलिया हैं बुशरा बीबी वो भी यहाँ पहुँच चुकी हैं। सो आगे दोबारा से शैलिंग का आगाज़ हो चुका है, आगे दोबारा से शैलिंग की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं। इनका कहना है कि इस दफ़ा हम अपने मुतालबात मनवा के वापस जाएंगे, इसके अलावा वापसी नहीं होगी। वापसी वो कह रहे हैं कि वापसी नामुमकिन है, ये मुमकिन ही नहीं कि हम वापस जाएँ। सो आप देख सकते हैं इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी भी मौजूद हैं जो इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और अभी वो आगे की जानब बढ़ रही हैं। सो ये काफिला है, कल इमरान खान की जो अहलियाँ हैं उनकी तरफ से इससे पहले ये कहा गया था कि इस दफ़ा वापसी नहीं होगी, वापसी एक ही सूरत में हो सकती है और वो सूरत ये है कि जब इमरान खान खुद रहा होकर आएँ और आके लाहमल दें, इसके अलावा कोई वापसी नहीं है। सो इस टाइम पूरा मुल्क बंद है, इस्लामाबाद बंद है, एक तरफ सी पैक के काफिले आ रहे हैं और सी पैक के जो काफिले हैं वो एयरपोर्ट के नज़दीक पहुँचने वाले हैं और एक तरफ से ये जो काफिला है अभी कटी पहाड़ी क्रॉस की जाएगी। कल एक मुकाम पर शदीद शैलिंग की गई लेकिन कारकुनान ने वो जो मुकाम था वो अबूर कर लिया, पुलिस पीछे हट गई, इवन के कई पुलिस वाले पकड़े गए, कई पुलिस वाले अपनी वर्दी छोड़कर चले गए। सो ये सूरत हाल है इस टाइम अटक की और आपको दिखाया जिस तरह लोगों ने दीवारों पर लिखा है कि डीपीओ अटक साहब हम आगे वेलकम नहीं करोगे, इसके अलावा कैसा लगा हमारा सरप्राइज। सो इस तरह के मुख्तलिफ नारे लिखे गए हैं। अब कारकुनान आहिस्ता आहिस्ता आगे जाना शुरू हो चुके हैं, कारकुनान आगे बढ़ रहे हैं। आपको जो भी सूरत हाल होगी आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे।